यहाँ रुके थे हम, ये देखिए ये कॉटेज है, बहुत बढ़िया कॉटेज है। अंदर से तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये कुछ बाहर से व्यू है इसका। इसका स्काई वन स्काई रिजॉर्ट है, ये देखिए वन होटल जस्ट फॉर यू। ये देखिए अंदर से कुछ इस तरह है, और यहाँ ये बाहर की लोकेशन कुछ। ये रिजॉर्ट के पीछे का व्यू है, ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है यहाँ पे। मतलब चारों तरफ आपको व्यू जो मिलेगा एक क्लास मिलेगा यहाँ पे। ये देखिए एप्पल ऑर्चर्ड है, चलो भाई चलते हैं आगे का सफर। शुरू कर रहे हैं हम वापसी की जर्नी, वापसी की नहीं अभी हम जाएंगे काफी जगह जाएंगे, तो अभी निकल रहे हैं, ब्रेकफास्ट करेंगे यहाँ कहीं पे। देख रहे हैं इस जगह करें ब्रेकफास्ट। अभी टाइम हुआ है 9:01, 20 मिनट हुआ है, 9:20 में निकले हम। आज काफी सनी डे है, कल की तरह बारिश नहीं हो रही, कल परसों की तरह ना। आज हम पूरा अच्छे से नहाए, कल की तरह कौवा स्नान नहीं किया हमने, कल तो ठंडी बहुत थी वहां पे, तो कौवे स्नान से काम चलाना पड़ा। देखिए यार पहाड़ देखिए, झरने देखिए और जंगल। वो देखिए नीचे देखिए आप, पानी देखिए नदी में, ये देखिए। चंडीगढ़ 304 किलोमीटर है और मंडी है 115 किलोमीटर। देखिए भाई, देखिए गाइस नेचुरल ब्यूटी, ये देखिए उधर से एक नदी आ रही है, इसमें ब्यास में आके मिल रही है, ब्यास नदी इधर से आ रही है और वो इसमें आके मिल रही है। ये देखिए नजारे नजारे नजारे।
अभी हम जा रहे हैं हडिम्बा माता मंदिर। ये देखिए ये रास्ता है। आज बहुत रश है हडिम्बा माता मंदिर की तरफ जो रास्ता जा रहा है। ये है पार्किंग हडिम्बा माता मंदिर के लिए। ये भी काफी हाइट पे है वैसे ना, हडिम्बा माता टेंपल जो है काफी हाइट पे है। इनके बराबर बराबर लड़के इनसे बड़े बड़े हुए। अच्छा ये तो अभी सब हो गए। ये 9th में है अभी, लेकिन चाय बहुत स्वादिष्ट थी आपकी, मजा आ गया। थैंक यू। ये हम पहुंच गए हडिम्बा माता टेंपल के द्वार पे, अभी मतलब एंट्रेंस पे। ये चढ़ाई है, ये देखिए कितने बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। अच्छा लगे बेटा, अच्छा लगा। जय माता दी, जय माता दी। ये हडिम्बा माता मंदिर, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ। ये देखिए सेल्फी स्पॉट, ऊपर आसमान देखिए एकदम नीला आसमान, जो आपको किसी शहर में नहीं मिलेगा देखने को। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बढ़िया, मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। चलो ठीक है, गुड। जड़ी बूटियाँ होती है। अच्छा, जैसे हींग है हमारे पास। हींग क्या करती है? नेपाल से लाते हैं। नेपाल से हींग तो बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। अच्छा, सब्जी अब्जियों में भी डालते हैं हींग। ओके, खुशबू के लिए भी होता है। जी जी। और थोड़ा चूरन है पेट की गैस का, कब्ज का, वायु का, एसिडिटी का। अच्छा। चूरन जड़ी बूटियों से वो तैयार होता है। अपना जवाखार है, छोटी पीपल है। जवाखार क्या होती है? सब पेट की गैस के लिए होती है। अच्छा, छोटी पीपल है वो भी गैस के लिए। वो भी गैस के लिए। ओके। लाहौरी नमक है, नौ सदर है, केसर, वो तो सर पूजा पाठ के लिए, पूजा वूजे में काम आता है, तिलक विलक के लिए। जैसे शामगिरी का होती है, हमन होता है, हमन में उसको डाला जाता है मिलाकर मिक्स करके। जी जी। और कुछ सर? बस ही बस। जैसे हडिम्बा माता है, इसके जो आदमी हैं पति देव वो भीम थे, तो भीम जा रहा था रास्ते रास्ते जंगल से, तो वहाँ पे भीम का हडिम्बा माता का लड़का को लेके, कुछ ब्राह्मणों को लड़कों को लेके जा रहा था हडिम्बा माता, गठौर गज बलि के लिए लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इनको कैसे लेके जा रहे हो, इनको छोड़ दो, उसकी जगह मुझे ले चलो। तो वो उनको छोड़ दिया ब्राह्मण लोगों ने, लोगों को, और उसकी जगह वो भीम को लेके जा रहा था। ये कि ये अच्छा अच्छा खासा है, मोटा है, हडिम्बा माता तपस्या कर रही थी। तो उन्होंने देखा कि ये किसको ले आया है, ये तो आपके पापा है, आपके पापा है ये, आपके पिताजी, आपके पिताजी है ये, तो ये तो बहुत गलत किया है तुमने। फिर वो उनके पैर पकड़ने लगी। हडिम्बा माता पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, वीर घटोरगढ़ भी मशहूर है। शादीशुदा नौकरीशुदा बंदे की इतना सामान उठाना, देखिए देखिए देखो, ये सब कुछ करना पड़ता है शादीशुदा नौकरीशुदा बंदे को। ये आराम से घूम रहे हैं। बढ़िया बढ़िया फूल हैं यहाँ, कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े फूल। देखिए वाइल्ड लाइफ भी हम दिखा रहे हैं आपको साथ साथ।
मिस हो गया उसने देखा नहीं। बिंगो बिंगो बुल्सएये। देखो कितनी बढ़िया चीज है ये देखो। हमने पराठा ऑर्डर किया, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे। ये देखो माता का मंदिर है पास में, यहीं पे हम यहाँ पे खाना खा रहे हैं, बिल्कुल खुले आसमान के नीचे। हमने ऑर्डर किया है पराठा, चाय और मिल रही इसके साथ चटनी। चटनी टेस्ट करके बताएंगे आपको। मजे कर रहे हो? मजे